हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली स्टेट में, ऐसे दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, उस पर केंद्र की शासन होता है साइड से, बट मेन में वहाँ भी मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये, अगर आप दिल्ली से हैं तो वहाँ की क्लास 8, 9, 10 से बंद 5 या क्लास 9, 10, 11, 12, ठीक है, BA Part 1, BSc या जो बैचलर डिग्री Part 1, 2, 3, यहाँ तक कि मास्टर डिग्री भी अगर आप कर रहे दिल्ली में और दिल्ली के आपकी नागरिकता है, ठीक है, तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, जिसके लिए आपको लिखना होगा गूगल पे जाके, डायरेक्ट लिखें दिल्ली स्कॉलरशिप, ठीक है, दिल्ली स्कॉलरशिप मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद काफ़ी वेबसाइट खुल गया, तो उसमें से एक वेबसाइट है www.delhigovernment.in, ठीक है, तो वेलफेयर ऑफ SC ST दिल्ली गवर्नमेंट, इसी पे क्लिक कीजिए। इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इस ये क्लिक करता हूँ। और आपको देखिए, मेन वेबसाइट है स्कॉलरशिप पोर्टल की, delhigovernment.gov.in, इसको आप याद रख लीजिए। और इसी को गूगल के जो URL यहाँ पे लिख टाइप करते हैं, वहाँ पे आप लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ NCT और दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, फिलहाल इस पे डेट आया होगा, इसका डेट है अभी, देखिए 9/12/2017 टू 31/3/2018, ठीक है। यहाँ पे कैसा है वो ऐड होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। गूगल पर डाउनलोड हो रहा है अभी, आपने पेपर में हो सकता है इसी टाइप का ऐड देखा होगा, लेकिन हाँ इस टाइप के पेपर में आपने ऐड देखा होगा, ठीक है, हिंदी में भी ऐसी इस टाइप का देखा होगा, ये देखिए, और दूसरा इंग्लिश में भी इस टाइप का देखा होगा पेपर में, तो उसमें भी लिख रहा था, पेपर में लिखा हुआ कि इस साइट पे जाए, अगर इस साइट पे नहीं जाते हैं तो यहाँ भी लिखा हुआ है इस साइट पे जाए, अगर इस पे नहीं डायरेक्ट गूगल पे जाए, दिल्ली स्कॉलरशिप लिखें, और मैं जो इसी में का देखिए delhigovernment.nice.in मेन वेबसाइट ये यही है, वो भी है लेकिन ये है मेन वेबसाइट delhigovernment.in, ठीक है, आप जाए वो इस पे लॉग करें। तो डेट तो देख लिया, एड भी देख लिया, ठीक है, प्रचार जो आता पेपर में इस पर क्लिक करके मैंने बता दिया, बट अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा अप्लाई यहाँ पे, बट कुछ इंस्ट्रक्शन है जो दिया हुआ है, आप किसी भी क्लास के हैं, क्लास 5 से ऊपर है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है, और आपके लिए कुछ दिया हुआ इंस्ट्रक्शन वो पढ़ लीजिएगा, फिर यहाँ भी क्लिक कीजिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो आइए मैं आपको एलिजिबिलिटी दिखा देता हूँ, एलिजिबिलिटी अभी डाउनलोड हो रहा है, तो नेट स्लो है। एलिजिबिलिटी मीन्स आप उस स्कॉलरशिप अप्लाई करने लायक है या नहीं, ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ट्यूशन फीस फॉर SC ST, चलिए ये तो इंग्लिश में है, एक हिंदी में भी इसी में होगा, हिंदी में छोड़िए वो नहीं है, हिंदी में नीचे होगा, इसमें दिया हुआ है ये, फिर SC ST ये ऐसे पेज नंबर इतना पर दिया हुआ है टोटल,
आप इसे डाउनलोड करें और एक बार पढ़ लें। नहीं समझ में आता है तो बेसिक का आइडिया मैं बताता हूँ आपको, गूगल ट्रांसलेट के थ्रू हिंदी में करके पढ़ लें, ठीक है। यहाँ से कॉपी करें और उसे पेस्ट कर दें, फिर मैं बताऊँगा अप्लाई करने के लिए। फिर और कुछ यहाँ पे, ये सब को डाउनलोड करके एक बार पढ़ लें। अगर आप इसके अंदर आते तो अप्लाई करें। अगर हाँ एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी के आते हैं ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो इस पर बहुत से ऑप्शन है। देखिए रजिस्ट्रेशन एट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, ठीक है, इंटरनेट यानी डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। अगर आप न्यू यूजर हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। अगर इससे पहले लॉग इन किया आपने या यूज किया इसको, तो इस पर करके लॉग इन कर लीजिए, क्योंकि पासवर्ड वगैरह आपके पास तो होगा ही, पासवर्ड या जो भी आईडी है। फिर आपको हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। एफएक्यू यानी क्वेश्चन आंसर इसमें दिया हुआ है, आप लोगों ने पूछा है उसका आंसर दिया गया है। फिर इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड गाइडलाइंस वगैरह है, तो ये सब पढ़ लें। नहीं तो अगर नहीं पढ़ते तो भी आप न्यू यूजर पर क्लिक करें। जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस पर आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, आपके पास दोनों में से कोई एक होना चाहिए। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर इसमें डालिए, और ये जो सिक्योरिटी दिख रहा है WPSBH, तो इसको आप इसमें डालिए, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। तो ऐसे तो मैं अपना आधार कार्ड डाल नहीं सकता, बात ये मुझे फॉर्म नहीं बनना है, ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कंटिन्यू कीजिएगा ये सब प्रोसेस करने के बाद, तो आगे एक और फॉर्म खुल जाएगा, उसमें डिटेल जो जो मांगेगा आपके पास जो जो है सब देते जाइएगा, और आपका लास्ट में सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप सबमिट कीजिएगा, ठीक है। सबमिट कैसे कर देंगे तो आपका ये स्कॉलरशिप थोड़े दिन के अंदर में आ जाता है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, और शेयर भी कर दीजिए। और कोई क्वेश्चन है एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी टाइप के, तो बेहिचक आप कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं 1 वीक के अंदर जवाब दूंगा कम से कम। थैंक यू।